देखा जी, आप लोगों ने, मैं अंदर गया था, वीडियो बना रहा था और मुझे सिक्योरिटी वालों ने बाहर निकाल दिया है। वो कहते हैं अंदर अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, आप बाहर निकलो, पहले डायरेक्टर से परमिशन लो उसके बाद बनाना। तो मुझे सिक्योरिटी वालों ने बाहर निकाल दिया, पासपोर्ट ऑफिस से अभी मैं बाहर बात करता हूँ लोगों से, इनको मुश्किलात का सामना है। अंदर आपने सुना, एक बंदा कह रहा था 7,500 रुपये अर्जेंट फीस भरी है उसने, और दूसरा क्या कह रहा था 12,500 रुपये फीस भरी है अर्जेंट उसने। एक महीने से ऊपर हो गया, पासपोर्ट नहीं आया, उन दोनों बंदों का नहीं आया। उसी वक्त आकर एक बंदा मेरे को रोक देता है और बाहर निकाल देता है। आपके सामने कंडीशन ये सब, यहाँ रश लगा हुआ है। आए इन सब व्यूअर्स, में फाद मदनी और इस वक्त मैं आया हूँ सदर की पासपोर्ट ऑफिस में, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सदर का, यहाँ पहुँचा हूँ इस वक्त में। और आज मैं यहाँ पे बात करूँगा कि साथियों को क्या मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, इस सिलसिले में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पासपोर्ट ऑफिस के हालात। वालदा का पासपोर्ट सबमिट कराया था ऑर्डनरी में, अभी तक आया नहीं है। ऑर्डनरी में कितने दिन का? ऑर्डनरी में जो है 21 डेज उसकी जो है एक्चुअल टाइमिंग ड्यूरेशन होता है। कितने दिन हो गए आपको? मुझे तकरीबन 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने हो गए। लो भाई, एक ऑर्डनरी वाले भाई मिल गए हमें, जिनका 21 दिन में आना चाहिए था, इनको 2.5 महीने हो गए। क्या कहते हैं अंदर वाले? कहते हैं मजीद एक हफ्ता वेट करें, मजीद एक हफ्ता वेट करें। आवाम परेशान हो रही है और वो कह रहे हैं वेट पे वेट करें। कोई पुरसाने हाल नहीं है सदर के पासपोर्ट ऑफिस का, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऊपर से सिक्योरिटी खड़ी हुई है, उन्होंने मुझे डरा के धमका के बाहर निकाल दिया है। वो कहते हैं बाहर निकलो, तुमने इजाजत किससे ली वीडियो बनाने की? पहले डायरेक्टर से इजाजत लो, परमिशन लो, उसके बाद वीडियो बना सकते हो, जो कि परमिशन कभी मिलनी नहीं है, नहीं मिलनी, और मुझे ही आगे पीछे कर देंगे वो। बिल्कुल। क्या मुश्किल हो रही है आपको पासपोर्ट बनवाने में यहाँ पे? पासपोर्ट बनाने में मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ पे सबसे आसान तरीका, मतलब पहले चलान जमा, मैंने पहले बच्चे का चलान जमा कराया। सही है। दूसरे दिन आ गए, 8:30 अपना काम करा लिया, 15-20 मिनट लगे, फारिग हो गया। कोई मुश्किल नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, आपका बन गया आसानी का शुक्र। मिल गया आपको? जी जी जी। कितने दिन में मिला? ये 25 दिन में। और अर्जेंट जमा कराया? अर्जेंट 7,500। अर्जेंट 7,500 फीस में आपको 25 दिन में मिला, इसमें आप खुश हैं? जी अल्लाह का। आपसे तो फीस 5 दिन की ली गई थी, अर्जेंट तो 5 दिन में मिलता है। ये बोलता 1-1.5 महीने, लेकिन 25 दिन में आ गया था, अल्लाह का शुक्र। अरे भैया, आपने 7,500 फीस भरी, अर्जेंट की भरी? अर्जेंट। नॉर्मल के दिनों में आया है आपका पासपोर्ट, आपको पता है? नॉर्मल तो 3-4 महीने में आ रहा है। वो तो आ रहा है, वो तो लीगल तो नहीं है ना वो? नॉर्मल जो आना चाहिए वो 22 दिन में आना चाहिए शायद, लेकिन हमने सुना ना 1-1.5 महीने वाले, लेकिन हमारे 25 दिन में आ गया बच्चे का, माशाल्लाह। अरे भाई, ये इससे भी खुश हैं। और कोई भाई है? अस्सलाम वालेकुम। क्या वो पासपोर्ट बनवाने के लिए आए हैं? जी सर, आप, हम लोगों ने बनवाया था 2 महीने पहले अर्जेंट। अच्छा, 2 महीने पहले अर्जेंट बनवाया था। 2 महीने पूरे हो गए, लेकिन अभी तक मिल ही नहीं रहा। मिल नहीं रहा, क्या कहते हैं ये? बोलते अभी भी 15-20 दिन लगे। अभी भी 15-20 दिन लगेंगे? और आपने अर्जेंट बनवाया था? नॉर्मल अर्जेंट बनवाया था। 2 महीने पूरे हो गए। अर्जेंट बनवाया था जिसके 5 वर्किंग डेज का टाइम होता है और 2 महीने पूरे हो गए, अभी तक आपका पासपोर्ट नहीं मिल रहा आपको। और कहना क्या है इनका? अंदर 15-20 दिन और लगेंगे। 15-20 दिन और लगेंगे। वजह क्या बता रहे हैं? वजह क्या बता रहे हैं लेट होने की? आए नहीं है। आपने बोला मैंने तो अर्जेंट फीस भरी है। मैंने बोला अर्जेंट का क्या फायदा? फिर क्या बोले? हमारा मतलब नहीं, आगे बात, आगे बात करो। अच्छा, आगे किससे बात करें भाई? वजीर आजम से बात करेगा? ये गरीब आदमी है बेचारा, है किससे? सदर से बात करेगा, वजीर आजम से बात करेगा? आपको पता है पाकिस्तानी पासपोर्ट 102 नंबर पे चला गया है, दुनिया के ममालिक में 102 नंबर पे पहुंच गया है पाकिस्तानी पासपोर्ट। इसकी क्या वजह है, आपको क्या लगता है? हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत की नाअहली है या पाकिस्तानी ओवरसीज जाके जो हरकतें करते हैं, वो भी वजह है इसमें? वो भी है ना वजह, दोनों वजूहात हैं आपको लगता है ये? चलें जी, खैरियत से, क्या हुआ, पासपोर्ट नहीं मिला आपको? नहीं ना भाई, अर्जेंट के पैसे ले रहे, दे रहे नहीं, चक्करे पे चक्करे लगा रहे। अर्जेंट जमा कराया था आपने, कितने दिन हो गए? ये देखो ना, ये देखें जी, इन्होंने अर्जेंट जमा कराया है, इस पे डेट है 14/11/18 वापसी है, और वापसी इनकी 18 को थी। अभी क्या तारीख है आज? आज 18 ही है ना? 18 ही है। नहीं आया कह रहे? नहीं आया। पैसा किस लिए तुम लोग लेते हो? पैसे अर्जेंट के दिए। अभी क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अभी बोलते हैं मैसेज आएगा। मैसेज तो आएगा नहीं जिंदगी भर के लिए। कब तक आएगा ये पूछा? कितना टाइम हो इसका बाल का, ये बात करें, कितना टाइम आपका मैसेज आया अभी तक? 28 दिन हो गए। अर्जेंट जमा कराया था? जमा कराया। क्या फीस है अर्जेंट की? 7,500। और नॉर्मल की? मैंने 12,500 रुपये दिए। आपने 12,500 क्यों दिए? 7,500 क्यों दिए? वो बोलते अर्जेंट एक हफ्ते में आया। नहीं, आपने अर्जेंट के 7,500 दिए ना, इन्होंने 12,500 दिए। आपने पासपोर्ट जमा कराया? मैंने 5 दिन के लिए करवाया था और 1 महीना हो गया, और अब मुझे हज फॉर्म जमा करवाना है। मैं किस तरह से करवाऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, आपने अर्जेंट जमा कराया था, 5 दिन का टाइम होता है, 1 महीना हो गया, अभी तक नहीं आया। क्या कहते हैं अंदर वाले? वो कहते हैं आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, उसके 2 दिन के बाद आप मेरे पास आइएगा। मैंने कहा कितना वक्त लगेगा? कहने लगे 10-12 दिन लगेंगे, कोई कन्फर्म नहीं है। अच्छा, तो आपने कहा मैंने फीस अर्जेंट भरी है, अब तो मुझे नॉर्मल की फीस वापस दे दो। फिर
मैंने उनको कहा लेकिन कह लेंगे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे हज फार्म भरना है, मैं बहुत परेशान। हज फार्म सही बात है, 6-8 महीने पहले जाते हैं वो, तो अब आप वो भी नहीं भर सकते हैं। तो भाई देखें जी, सदर साहब, वजीर आजम साहब, वजीर आला सिंह, गवर्नर सिंह, आप लोग नोटिस लें, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस पे बहुत परेशान है लोग। ये कह रहे हैं मुझे हज फार्म जमा कराना है, 1 महीना हो गया है, अर्जेंट की फ़ीस भरी है इन्होंने, नॉर्मल में भी नहीं आया है इनका अभी तक, और परेशान हो रहे हैं लोग यहाँ पर, इसका ज़रा सख्त नोटिस दिया जाए। जी यहाँ पे एजेंट भी खड़े हुए हैं जो सिर्फ इस चीज़ के पैसे ले रहे होते हैं कि आपको टोकन जल्दी मिल जाएगा, बैंक चलान की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा आपको, बैंक चलान आपका भरवा दिया जाएगा जल्दी और आपका नंबर आ जाएगा बस जल्दी, बस इस काम के एजेंट जो है वो पैसे ले लेते हैं आपसे और आपका नंबर जल्दी आ जाता है, चलान फॉर्म की लाइन में आपको खड़े नहीं होना पड़ता चलान भरने के लिए, अदरवाइज आपका पासपोर्ट आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है एजेंटों के पास भी। देखा जी आपने, मैं पासपोर्ट ऑफिस का विजिट आपको मैंने कराया है, यहाँ पे ब्लॉग बनाया है, तो मेरी तमाम लोगों से, सदर से, वजीर आजम से, गवर्नर सिंह से, वजीर आला सिंह से सबसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ एक्शन लें, आवाम शदीद परेशान है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सदर के ऑफिस में शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है आवाम को, और अर्जेंट फीस जिसकी 7,500 रुपये है पासपोर्ट की, तो उसमें लोग 7,500 भर रहे हैं और 2.5 महीने हो गए उनके पासपोर्ट नहीं आए, और एक शख्स मुझे मिला जिसने 12,500 रुपये फ़ीस भरी है, वो कहता है मैंने अर्जेंट में 12,500 फ़ीस भरी है, बलोच था, अनपढ़ था, उसको नहीं पता, वो कहता है मैंने 12,500 भरी है, यही फ़ीस है। मैंने कहा नहीं, 12,500 नहीं है भाई, 7,500 फ़ीस है, दूसरे सारे लोग भी भर कर आएँ, 7,500 भर कर आएँ, तो कहता है नहीं मुझसे 12,500 ली है, 12,500 ही फ़ीस है। और दूसरी बात ये, कुछ नॉर्मल वाले लोग भी थे ये नॉर्मल फ़ीस भरी थी, लेकिन उनके भी 3-3 महीने हो गए, 4-4 महीने हो गए, पासपोर्ट नहीं आए हैं, तो इस सिलसिले में हुकूमत वक्त एक्शन ले, और जो भी बड़े ज़िम्मेदारान हजरात हैं अगर वो वीडियो मेरी देख रहे हैं तो इस पर प्लीज़ सर एक्शन लें, आवाम हमारी शदीद मुश्किलात का शिकार है, और बेचारे लोगों को हज पे जाना है, हज दरख्वास्त एक शख्स मुझे मिला, वो कह रहे थे कि मुझे हज दरख्वास्त जमा करानी है, लास्ट डेट करीब है और मेरा पासपोर्ट नहीं आया तो मैं हज की दरख्वास्त जमा नहीं करा पाऊँगा और आने वाले साल में मैं हज पे नहीं जा सकूँगा, आगे ज़िंदगी है नहीं है ये नहीं पता कहते हैं वो, लेकिन मेरा हज रह जाएगा और मेरा पासपोर्ट अगर नहीं आया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बड़े हुक्मरानों से, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे आवाम की तरफ से कि आप लोग प्लीज़ इस पर एक्शन लीजिए और इस पर जल्द अज़ जल्द जो है पासपोर्ट ऑफिस का निज़ाम सही कर दीजिए ताकि लोगों के पासपोर्ट अर्जेंट हैं या नॉर्मल हैं वक्त के ऊपर उनके हाथ में आ जाएँ और जो हज पे जाने वाला है वो हज पे चला जाए और जो बैरून मुल्क रोज़गार के लिए जाने वाले लोग हैं वो लोग अपने मामला सीधे कर लें और अपने रोज़गार के लिए ओवरसीज़ निकल जाएँ। तो ये शदीद मुश्किलात का सामना है पासपोर्ट ऑफिस पे। आज का मेरा व्लॉग मुख्तसर बहुत था क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल सका बनाने का, अंदर मैं चला गया था इत्तेफाकन तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया कि नहीं आप अलाउ नहीं है अंदर बनाना, तो मैंने कहा चले मुझे तो इल्म नहीं था इस बात का तो मैं बाहर चला जाता हूँ, कह लेकिन हाँ बाहर चले जाएँ पहले डायरेक्टर साहब से हमारे परमिशन लीजिए उसके बाद वीडियो आप बना सकते हैं अदरवाइज़ आप वीडियो नहीं बना सकते। मैं चले ठीक है मैं निकल जाता हूँ ना, मैंने उसी वक्त स्टार्ट किया था, मैं बाहर आ गया, फिर बाहर आकर मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मैंने आपके सामने सारी वीडियो रख दी है। अब मेरी दरख्वास्त तमाम उन आला अहदेदारान से जो मेरी वीडियो देखते हैं उन तक अगर वीडियो पहुंच जाती है तो वो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, अपने से बड़े हम मनसब को, अपने हम मनसब को या अपने से बड़े मनसब वाले को ये शेयर करें वीडियो और आगे पहुँचाएँ कि इस मसले के ऊपर, पासपोर्ट ऑफिस वाले मसले के ऊपर जो है वो फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए हुकूमत वक्त की जानिब से, और जो भी इसके डीजी हैं पासपोर्ट के और जो भी डायरेक्टर हजरात हैं या वजीर आला हैं या गवर्नर हैं या वजीर आजम या सदर हैं वो इस पर फौरी तौर पे एक्शन लें और आवाम की मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करें। मेरी आपसे मौजबाना गुजारिश है, मैं फहद मती अपने चैनल से आपसे मुखातिब हूँ, मेहरबानी करें ये गरीब आवाम के ऊपर रहम करें, आप लोग हमारे बड़े हैं, हम दिल से आपकी इज़्ज़त करते हैं, आप इस पर फ़ौरन जो है एक्शन लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर एक्शन लीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।